Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ओबीसी महासभा जिला इकाई सिवनी के पदाधिकारियों द्वारा कचहरी चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम देशमुख, कार्यकारी अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त सैनिक मोर्चा जिला अध्यक्ष राजकुमार साहू, प्रदेश प्रतिनिधि राजकुमार सनोडिया, संभाग महासचिव शिव चंद्रवंशी, महिला मोर्चा संभाग उपाध्यक्ष किरण बुर्डे, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अनिता राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष शकुन चौधरी ओम प्रकाश बुर्डे सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ओबीसी महासभा के जिला मीडिया प्रभारी राजेश पटेल ने बताया कि इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को मानवतावादी निरूपित किया तथा कहा कि उनके द्वारा लिखे संविधान की वजह से दलित शोषित समाज, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग को उनको सामाजिक राजनीतिक हिताधिकार मिले जो देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष राधेश्याम देशमुख ने अपने वक्तव्य में कहा कि बाबा साहेब के संविधान में प्रदत्त अधिकारों से आज भी ओबीसी वर्ग के लोग वंचित हैं। ओबीसी महासभा पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक अधिकार दिलाने के लिए संकल्पित हैं। लड़ाई को और अधिक मजबूती से लड़ने का आह्वान करते हैं। पास किया जाता है उसका घोर विरोध करें। आपने देखा होगा संयुक्त किसान मोर्चा इसका विरोध कर रहा है। आज के हमारे प्रधानमंत्री ने यह बिना सोचे समझे किसानों से बिना चर्चा किए किसान बिल तीनों काले कृषि कानून ठोक दिया था देश के ऊपर। इसका संयुक्त किसान मोर्चे ने कटके विरोध किया, अभी भी कर रहे हैं। वो तो संभावित हार को देखते हुए, क्योंकि उत्तराखंड, गोवा, पंजाब इन राज्यों में अभी चुनाव होने हैं और यहाँ की रिपोर्ट आ रही थी कि भाजपा हार जाएगी, इससे घबरा कर नरेंद्र मोदी ने कानून वापस लिया। परंतु साथियों, यदि संविधान